स्नेल एक धीरे चलने वाला छोटा सा जीव है जो कि पानी और जमीन दोनों जगह पर पाया जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि स्नेल के शरीर के ऊपर एक कठोर सेल रहता है जबकि उनके सेल के नीचे का शरीर काफी ज्यादा मुलायम होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक स्नेल जिनका शरीर काफी ज्यादा नर्म होता है इसके बावजूद भी ये बिना अपने आप को चोट पहुँचाए किसी भी शार्प यानी धार वाली वस्तु पर भी कैसे चल लेते हैं? तो बता दूं आपको, स्नेल अपने शरीर के ग्रंथियों के अंदर से एक चिपचिपा तरल पदार्थ पैदा करता है जिसे म्यूकस कहा जाता है और ये म्यूकस इनके शरीर के निचले भाग में होते हैं जो कि 98% पानी और 2% कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बने होते हैं। दरअसल स्नेल के शरीर में ये म्यूकस एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की श्रृंखला जैसे बंधे हुए होते हैं जो जब चाहे एक दूसरे से अलग या वापस जुड़ भी सकते हैं, जिस कारण इनका म्यूकस एक समय पर स्थिर और दूसरे ही समय पर लचीला भी बन जाता है। और यही म्यूकस स्नेल के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जिस कारण वो किसी भी धार वाली वस्तु पर आराम से चल लेते हैं।